हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पेपर का पैटर्न डिसाइड करने वाला हूँ आईटी का। अभी कितने मार्क्स करेंगे, क्या टाइम रहेगा, ये सब आज डिस्कस करेंगे। जो यूनिट वन होगा उसका 25 मार्क्स रहेगा और 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। इससे मेरे को लगता है कि आपको हो गया रहेगा यूनिट टेस्ट, तो ये तो आपको मालूम रहेगा। सेमेस्टर में 50 मार्क्स का आएगा, 2.5 घंटे का रहेगा, और फिर यूनिट में 25 मार्क्स का रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा, और फाइनल में 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, उसमें 80 राइटिंग करके लाने का है और 20 प्रैक्टिकल का होगा, और दोनों के लिए 3-3 घंटा रहेगा। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 लेसन आने वाले हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे हो चुके हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लेसन मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर तक का हो गया है। अभी इसके बाद दिवाली के बाद दूसरे लेसन आएंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर में कितना कैसे लेसन आएंगे। सेकेंड सेमेस्टर में 4 लेसन आने वाले, 1, 2, 3, 4। अच्छा, चारों में से फर्स्ट वाले का 20 मार्क्स का है, सेकेंड लेसन 50 मार्क्स का है, थर्ड लेसन 30 मार्क्स का है, और लास्ट लेसन 15 मार्क्स का है। इसे टोटल मिला के 80 मार्क्स हो गए रिटर्न में, और फिर प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स आने के। अभी पेपर पैटर्न देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पैटर्न में सबसे पहला फिलअप्स आएगा, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 मार्क्स के लेंगे वो। थ्रू ऑफ ऑल भी सेम, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। अभी इसमें एमसीक्यू सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने का है, सिर्फ एक, और इसमें 2 करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने के, और इसमें 3। अभी इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के लिए, 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के लिए, 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के लिए। इसमें होगा क्या कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके ऊपर से आपको ऑप्शन, इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, और उसमें 6 ऑप्शन, इसमें से कोई एक करेक्ट रहेगा, और इसमें से कोई 2 करेक्ट रहेंगे, और इसमें से कोई 3 करेक्ट रहेंगे। ऐसे करके आपको ये मार्क्स मिलने वाले। अभी लास्ट है मैथ द फॉलोइंग, इसमें 4 आएगा और 4 मार्क्स के लिए आएगा। ब्रीफ कोई भी 5 करने का है, 8 क्वेश्चन आइए उसमें से 10 मार्क्स आएगा, उसमें से कोई भी 5 करने का। सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर का भी सेम है। सेकेंड सेमेस्टर में पहले फिलअप आएगा, थ्रू ऑफ आएगा, एमसीक्यूज, और फिर मैच, फिर ब्रीफ। इसमें ये 2 एक्स्ट्रा है, HTML कोड आपको टाइप करना होगा वेब डिज़ाइनिंग वाला, और उसी में JavaScript भी है। इसमें दो क्वेश्चन आएगा, उसमें से कोई एक करने का है, इधर लिखा हुआ है 2 क्वेश्चन है, उसमें से कोई एनी 1 आएगा, और दोनों के लिए 5-5 मार्क्स मिलने वाले। प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल में पूरे साल में सिर्फ एक प्रैक्टिकल होगा। उसमें मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, आपको ना प्रोग्राम टाइप करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। ये टाइप करेगा मतलब लिखना है, पेपर पे लिखने का है, उसके 10 मार्क्स मिलेंगे, और फिर जो भी कंप्यूटर पे लिखेगा उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपको जर्नल बोलिए तो जर्नल के मार्क्स मिलेंगे, या तो आपको कोई बुक बनानी रहेगी उसके मार्क्स मिलेंगे 5। इस तरह से आपका आईटी का पेपर पैटर्न है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं है, ये लास्ट तक ये पैटर्न फॉलो होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।